लाइट को यहाँ पर भी लगा कर आप ये रोशनी पैदा कर सकते हो। देखो मैं स्विच ऑन करूंगा। देखा फ्रेंड्स, मैं हूं अमित, आपको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल को। आप लोग कैसे बहुत अच्छे हो ना। तो मैं आज एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं जो वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो वीडियो में से क्या है, आपने घर अपने घर में देखा होगा बहुत सारे लाइट आप होल्डर में लगाते हो, ये जो लाइट लगाते हो वो फिक्स पोजिशन में रहता है, और जो लाइट आपको मूवमेंट करना है उसके लिए आपको एक होल्डर चाहिए, एक वायर चाहिए, उसको कनेक्ट करके आप हर घर की बहुत सारी जगह में ले सकते हो उसको, पर उसको फिक्स नहीं कर सकते, उसको टंगा कर इसे लटका के रख सकते हो। पर मैं जो वीडियो जो प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आया हूँ वो एक स्पाइडर लाइट के ऊपर। स्पाइडर लाइट का मतलब क्या है, यानी कि स्पाइडर जैसे एक दीवार में एक हर जगह में फिक्स पोजिशन में रहता है, उस वो मूवमेंट भी कर सकता है, उस तरह मैं एक स्पाइडर लाइट आपके लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो वीडियो को बिना वेस्ट करके चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हमको चाहिए एक लाइट, एक मैग्नेट, एक वायर और एक टेप को। तो फ्रेंड्स, पहले हम क्या करेंगे कि इससे जो एलईडी लाइट है उसको हम उसका जो लाइट है अंदर का देख सकते हो, ये जो लाइट है उसको हम निकालने वाले हैं इस तरह। लाइट को यहाँ पर लगाने से पहले हम उसको क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ग्लू गन को इस ग्लू गन की ग्लू से इसको चिपका देंगे। तो हम ग्लू गन को लेते हैं। ग्लू गन को लेने के बाद देखो, मैग्नेट को मैंने इसके ऊपर ग्लू से चिपका करेंगे। जो दोनों टर्मिनल पॉइंट है उसको हम जो हमारा वायर है उससे कनेक्ट करने वाले हैं। देख सकते हो इस बार मैंने जो वायर को कनेक्ट कर दिया हूँ। कनेक्ट करने के बाद चेक करेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर से देख सकते हो और वायर को कनेक्ट करते हैं, सारा स्विच को ऑन कर देंगे। ये वर्क कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, उसका जो पॉइंट है वो जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम ग्लू गन से यहाँ पर चिपकाने वाले हैं। देखा, तो अब हम क्या करेंगे, उसका जो टर्मिनल पॉइंट है उसको टेप से कवर करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उसको भी से यहाँ पर चिपका देंगे।
फ्रेंड्स अब हमारा जो स्पाइडर लाइन है वो अब कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो ये किस तरह दिख रहा है। देखो देखा ये हमारा जो लाइट का जो बटन है जो ऑन ऑफ करने के लिए और ये हमारा जो प्लग है। चलो उसका अब टेस्ट करने वाले। ये मेरा सीपीयू है और मैंने बस बताया था कि ये हर जगह लग सकता है। देखो मैं यहाँ पर इसको लगा दिया हूँ, देख सकते हो। लगाने के बाद उसका जो प्लग है उस प्लग को हम यहाँ पर पिन पर लगाने वाले हैं। तो अब हम ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद देख सकते हो मैंने यहाँ पर इस स्विच को ऑन कर दिया। देखा कि ये हर जगह लग सकता है। तो आप चाहे तो इसको लेकर यहाँ पर लगा सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो, हर जगह। मैंने जैसे बताया कि हर जगह जहाँ पर आप लोहे की चीज़ है वहाँ पर आप उसे लगा सकते हो। जहाँ पर भी लोहे की चीज़ है आप उसे वहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये हमारा अलमीरा है, यहाँ पर भी आप स्पाइडर लाइट को लगाकर यानी कि इस तरह रोशनी कर सकते हो। आपको जिस पोजीशन में लगानी है उस पोजीशन में आप इसको लगा सकते हो। और एक चीज़ आपके अलमीरा में यानी कि ज़्यादातर अलमीरा में लाइट की जो सुविधा नहीं देती है तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि इस ऊपर से आप इसको लगाकर लाइट कर सकते हो, अंधेरा को मिटा सकते हो। इसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और मैंने यहाँ पर छोटे वायर को यूज किया हूँ तो कनेक्शन बोर्ड से यहाँ पर बहुत लंबी दूरी हो जाती है इसलिए ये लाइट नहीं जला पाया। तो आप इसको बड़े वायर के माध्यम से कनेक्ट करके भी इसको आप लगा सकते हो। मेरा जो कंप्यूटर का जो टेबल है वहाँ पर रात के समय में और बहुत से समय में ये अंधेरा रहता है तो उसके इसको स्पाइडर लाइट को यहाँ पर भी लगा कर आप ये रोशनी पैदा कर सकते हो। देखो मैं स्विच ऑन करूँगा, देखा किस तरह लाइट हो रहा है। यहाँ पर आप स्टडी भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर भी इसको आप यहाँ पर लगा कर भी स्टडी कर सकते हो, जो भी कुछ करना है सब कुछ कर सकते हो। तो देखा ये किस तरह काम कर रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। और आप जानते हो तो क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना क्योंकि ये एक अच्छा सा